व्हाट इज अप गाइस, तो यार कैसे हो सारे। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं एक और नए पबजी मोबाइल की वीडियो के साथ। और गाइस, आज की इस वीडियो में मैं तुम लोग को दिखाने वाला हूँ एक न्यू फीचर जो रिसेंटली गाइस हम लोग को देखने को मिला है पबजी मोबाइल में। उसके बारे में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड तुम लोग किस तरीके के प्लेयर हो गाइस, उससे रिलेटेड ये अपडेट है। तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड अगर ये वीडियो तुम लोग को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो गाइस लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं तुम लोग इस तरह के अमेजिंग वीडियोज लाता रहता हूँ। सो गाइस लेट्स गो। सो यहाँ पे हम लोग को आज पबजी मोबाइल में एक न्यू फीचर देखने को मिला है एंड तुम लोगों ने नोटिस करा होगा, अगर तुम लॉबी में जाते हो तो गाइस तुम लोग को प्लेयर्स के नेम के सामने तुम्हें यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही होंगी, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो बेसिकली एक न्यू फीचर है जिसके बारे में गाइस अभी किसी को नहीं पता है, बहुत कम बंदे को पता है। तो गाइस वो फीचर तुम लोग को कहाँ देखने को मिलेगा और वो काम कैसे करता है। तुम लोग जैसे यार मैप सेलेक्ट करते हो यार वहाँ पे आ जाना है, जैसे तुम लोग यार मैप सेलेक्ट करते हो तो गाइस तुम लोग क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है। और सेटिंग्स में गाइस यहाँ पे एक न्यू एक सेटिंग बोल सकते हो वो आया हुआ है, ड्रॉप टैक्टिक, ठीक है। तो गाइस ये एक न्यू फीचर है, इससे होगा क्या, इससे होगा गाइस कि जैसे तुम यार इसको इनेबल करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ तुम लोग को सेलेक्ट करने को मिलेगा, हॉट ड्रॉप और स्लो एंड स्टडी, ओके। तो बेसिकली अब ये काम कैसे करता है, अगर तुम गाइस यहाँ पे इनेबल करके हॉट ड्रॉप सेलेक्ट करते हो तो जो तुम्हारा ओपोनेंट होगा, लाइक अगर तुम रैंडम्स के साथ खेल रहे हो तो गाइस वो भी तुम्हें हॉट ड्रॉप वाले प्लेयर ही मिलेंगे अगर उसने सेलेक्ट कर रखा है हॉट ड्रॉप, ठीक है। लाइक वो पोचिंग की जाएंगे, मिलिट्री जाएंगे, ये जो हॉट ड्रॉप्स होते हैं वहाँ पे वो जाएंगे, ठीक है, वो सेफ नहीं खेलेंगे। और तुम लोग को पता कैसे करना है कि जो हम लोग के सामने जो प्लेयर आए हैं वो हॉट ड्रॉप वाले हैं, तो गाइस उसके नेम के सामने हॉट ड्रॉप लिखा हुआ आएगा, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे तुम लोग को एक वीडियो प्रोवाइड करी है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का सिंबल आएगा तुम लोग को देखने को मिलेगा एंड तुम लोग क्लियरली समझ जाना कि ये बंदे हॉट ड्रॉप्स जाएंगे, लाइक जॉर्जो पुल, मिलिट्री बेस वगैरह जाएंगे, ठीक है। एंड स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी गाइस है कि अगर तुम मतलब कोई भी हॉट ड्रॉप नहीं जाते हो, आराम से खेलना चाहते हो, लाइक तुम अगर रैंक पुश कर रहे हो तो तुम्हें अपोनेंट भी वैसे ही मिलेंगे। अगर तुम रैंडम्स के साथ खेल रहे हो तो रैंडम्स में जो बंदे मिलेंगे वो भी स्लो एंड स्टडी खेलने वाले ही होंगे। एंड स्लो एंड स्टडी कैसे दिखेगा तुम लोगों को लॉबी में वो भी मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। हॉट ड्रॉप का कुछ अलग था, स्लो एंड स्टडी का कुछ अलग सिंबल आएगा प्लेयर्स के सामने, तो गाइज वहाँ लिखा हुआ रहेगा स्लो एंड स्टडी। तो तुम लोग क्या होगा, तो तुम लोग क्या होगा कि समझ जाओ कि हाँ ये जो अपोनेंट है ये स्लो एंड स्टडी खेलने वाले हैं, ओके। एंड यहाँ पे गाइज तीसरा सिनेरियो ये है, अगर हम लोग इसको डिसेबल करेंगे उसके बाद खेलेंगे तो गाइज कैसे प्लेयर मिलेंगे। तो बेसिकली इसको भी मैंने रिकॉर्ड करा एंड मैंने देखा कि उसके उसके नेम के सामने कोई भी तुम लोग को कोई सिंबल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लाइक हॉट ड्रॉप्स में जो देखने को मिल रहा था या फिर स्लो एंड स्टडी में जो देखने को मिल रहा था वो हम लोग को यहाँ पे जब हम लोग इसको डिसेबल करेंगे तो वो हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है गाइज, अगर तुम रैंक पुश कर रहे हो, स्लो एंड स्टडी सेलेक्ट करते हो तो गाइज तुम्हें भी रैंक पुशर्स वाले बंदे मिलेंगे। अगर तुम एग्रेसिव प्लेयर हो, हॉट ड्रॉप्स करते हो, लाइक उतरते हो, बंदे मारते हो, तो गाइज तुम्हें ओपोनेंट भी वैसे प्लेयर मिलेंगे अगर तुम रैंडम्स के साथ खेलते हो। तो गाइज ये एक बहुत अच्छी फीचर आ गई है, क्योंकि पहले होता था कि बंदे कहीं और चले जाते थे, रैंडम्स वाले तुम कहीं और चले जाते थे, तो इससे थोड़ा सा ये होता था, कन्फ्यूजन सा होता था एंड तुम भी अलग खेलते थे, वो भी अलग खेलते थे। तो ओवरऑल आई कैन से कि ये बहुत अच्छी फीचर है, तुम लोग इसको यूज़ करो और लाइक करो वीडियो को अगर अच्छा लगा तो, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।